नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं ढाई का अड्डा, मैं हूं आपके साथ ऋतु ज्ञानवाणी। अमेरिका यात्रा के दौरान पीएम मोदी का रुतबा एक वर्ल्ड लीडर के तौर पर दिख रहा है। एक राष्ट्र अध्यक्ष के तौर पर शानदार स्वागत के साथ ही लोग उनके सम्मान में सिर भी झुका रहे हैं। देखिए, नमस्कार। ये तस्वीरें पीएम मोदी के रुतबे को बयां कर रही हैं। सिर्फ एक वर्ल्ड लीडर ही नहीं, पीएम मोदी ऐसी शख्सियत बन चुके हैं जिनका सम्मान सिर्फ एक राष्ट्राध्यक्ष के तौर पर नहीं बल्कि एक इंसान के तौर पर भी किया जा रहा है, जो दुनिया को रास्ता दिखा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अमेरिका के स्टेट विजिट पर गए। यहाँ जिस तरह उनका स्वागत हुआ, अमेरिकी कांग्रेस में उनके संबोधन के दौरान तालियों की गड़गड़ाहट सुनाई दी, स्टैंडिंग ओवेशन दिए, मोदी मोदी के नारे लगे, ये पूरी दुनिया ने देखा। इन तस्वीरों ने तो हर भारतीय का दिल जीत लिया। प्रधानमंत्री वॉशिंगटन के रोनाल्ड रीगन बिल्डिंग में प्रवासी भारतीयों को संबोधित करने के लिए पहुंचे। इस दौरान अंतर्राष्ट्रीय सिंगर मैरी मिलबेन ने जन गण मन गाया। इसके बाद उन्होंने पीएम मोदी के पैर छुए और आशीर्वाद लिया। इन तस्वीरों में भी आप देख सकते हैं पीएम मोदी और मैरी मिलबेन के लिए तालियां बजाई जा रही हैं, और इस दौरान मैरी आकर प्रधानमंत्री के पैर छूती हैं, जिसके बाद प्रधानमंत्री उन्हें रोकते हुए उनसे हाथ मिलाते हैं और दोनों हाथ जोड़कर अभिवादन करते हैं। ये कोई पहला मौका नहीं है जब विदेश के दौरे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के किसी ने पैर छुए हों। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पापुआ न्यू गिनी के दौरे पर पहुंचे थे। यहां उनका भव्य स्वागत किया गया और इस दौरान पापुआ न्यू गिनी के प्रधानमंत्री जेम्स मरापे ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पैर छूकर आशीर्वाद लिया और स्वागत किया। पीएम मोदी जिस देश में जाते हैं वहां मोदी मोदी की गूंज सुनाई देती है। अमेरिका के स्टेट विजिट के दौरान भी ऐसा ही नजारा दिखा, और यूं पीएम मोदी का पैर छूना प्रधानमंत्री की दुनिया में प्रसिद्धि को बता रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18। भारतीय अमेरिकी कंपनियों के सीईओ के साथ बैठक में राष्ट्रपति जो बाइडेन ने पीएम नरेंद्र मोदी को एक विशेष टी शर्ट गिफ्ट की, जिस पर लिखा है द फ्यूचर इज एआई, यानी एआई भविष्य है। साथ ही इसके नीचे अंग्रेजी में अमेरिका और इंडिया लिखा है। जब राष्ट्रपति बाइडेन ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को टी शर्ट गिफ्ट की, उस समय माइक्रोसॉफ्ट के सीईओ सत्या नडेला, महिंद्रा ग्रुप के चेयरमैन आनंद महिंद्रा, एप्पल के सीईओ टिम कुक और विदेश मंत्री एस जयशंकर समेत कई अन्य लोग कार्यक्रम में उपस्थित रहे। सभी ने तालियां बजाकर पीएम मोदी का अभिनंदन किया। और इसी बीच बड़ी खबर भोपाल से है। 27 जून का दिन एमपी के लिए बड़ा खास रहने वाला है। वीडी शर्मा ने यह बयान दिया है। भारतीय संस्कृति का परचम लहराने वाले आ रहे हैं मध्य प्रदेश बसें। छोटी इकाई बूथ के कार्यकर्ताओं से बात करेंगे। आम कार्यकर्ता भी मोदी जी का स्वागत करेगा, भव्य स्वागत के साथ करेंगे मध्य प्रदेश में ग्रैंड वेलकम। तारीख दो दिन हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण दिन है कि 27 तारीख को भारत के लोकप्रिय प्रधानमंत्री, दुनिया के सर्वाधिक लोकप्रिय नेता और अमेरिका के अंदर भारत माता का परचम फहराते हुए वो भारत जब पहुंचेंगे, उसके बाद वो सीधे भोपाल की धरती, मध्य प्रदेश की धरती पर माननीय प्रधानमंत्री पधार रहे हैं। और भारतीय संस्कृति का परचम दुनिया के अंदर फहराने वाला व्यक्तित्व, वो बूथ के कार्यकर्ताओं से, भारतीय जनता पार्टी की अंतिम छोटी इकाई से संवाद भोपाल के अंदर करेंगे। चयनित
3000 कार्यकर्ता जो देश भर के आएंगे, जिन्होंने बूथ पर अच्छा काम किया है, और 10 लाख बूथों पर माननीय प्रधानमंत्री जी यहां से संवाद करेंगे। देश में इन दिनों राहुल गांधी की शादी की चर्चा है। विपक्ष की बैठक के दौरान लालू यादव ने राहुल को शादी की सलाह दी, इसके बाद तो शादी सियासी मुद्दा बन गई। देखिए, शादी करिए, बात मानिए। राहुल गांधी को लालू यादव ने शादी की सलाह क्या दी? पूरे देश में राहुल की शादी के चर्चे शुरू हो गए। सभी ये जानना चाहते हैं कि राहुल कब विवाह के बंधन में बंधेंगे। अब इस सवाल का जवाब तो राहुल ही दे सकते हैं, लेकिन लालू यादव की सलाह के बाद सियासी तीर चलने जरूर शुरू हो गए हैं। लालू द्वारा राहुल को शादी की सलाह पर क्या प्रतिक्रियाएं आ रही हैं, ये भी बताएंगे। लेकिन उससे पहले आइए सुनते हैं लालू यादव ने क्या कहा था। समय गया बीता नहीं है, शादी करिए और हम लोग बराते चले, और शादी करिए, बात मानिए। आपकी मम्मी हमको बोलते कैसे हो जाए, हाँ एकदम पक्का करना पड़ेगा। मम्मी आपकी बोलती थी कि आप हमारा बात नहीं मानता, शादी करवाइए आप। लालू यादव तो राहुल गांधी की शादी में बाराती बनने के लिए भी तैयार हैं, लेकिन राहुल हैं कि मम्मी की बात तक नहीं मानते। अब इस पर बीजेपी नेताओं के बयान आ रहे हैं। सीएम शिवराज ने कहा कि विपक्ष की एकता का निष्कर्ष राहुल की शादी है, लेकिन दूल्हा कौन है और बाराती कौन, इसका ठिकाना नहीं। अच्छा, विपक्ष की एकता का निष्कर्ष क्या है? मैंने तो एक ही सुना कि लालू यादव जी कह रहे हैं कि तुम्हारी मम्मी बहुत शिकायत कर रही कि तुम शादी नहीं कर रहे, शादी कर लो, दूल्हा बन जाओ, बारात में हम आएंगे। बाकी वो दूल्हा कौन है और बारात कौन है, इसका ठिकाने नहीं है। बीजेपी सांसद मनोज तिवारी ने भी राहुल की शादी पर तंज कसा और कहा कि राहुल की शादी होगी भी या नहीं ये नहीं पता। बीजेपी के वरिष्ठ नेता बृजमोहन अग्रवाल ने भी राहुल की शादी पर चुटकी ली, बोले राहुल गांधी अगर शादी कर लें तो हमें भी मिठाई खाने का मौका मिलेगा। पता नहीं शादी होगी कि नहीं, शादी होने के लिए कर्म भी चाहिए। तो राहुल की शादी पर बयानों के बाण चल रहे हैं। विपक्ष की बैठक में ये बात उठी, अब सियासी मुद्दा भी बन गई है। राहुल की शादी पर सियासत भी शुरू हो गई है। रिपोर्ट न्यूज 18। खंडवा में सब्जियों के दाम आसमान छू रहे हैं। सब्जियों की कीमतों में ऐसा तड़का लगा कि हरा धनिया 200 रुपए किलो की दर से बिक रहा है। अदरक 240 रुपए किलो तो टमाटर 120 को छू चुका है। गिलकी, शिमला मिर्च सहित अन्य सब्जियां 60 रुपए किलो से भी ज्यादा महंगी बिक रही हैं। महंगाई की मार ऐसी कि किचन से लेकर सब्जी मंडी तक इसका असर देखा जा रहा है। सब्जियों के दाम में एक बार फिर से महंगाई का तड़का लगा है। जायका बढ़ाने वाला धनिया जहां 150 से 200 रुपए किलो तक हो गया है, तो वहीं टमाटर के दाम भी बढ़े हैं। आज हम यहां मंडी में पहुंचे और यहां जानेंगे कि किस तरह से दाम पर असर पड़ा है। जो बताइए, जो सब्जियां हैं उनके क्या दाम अभी चल रहे हैं, क्या अंतर आया हुआ है? सर, आज से पिछले हफ्ते जैसे टमाटर 40 रुपए किलो थे, तो आज 80 रुपए किलो टमाटर हो चुके हैं। मतलब ये सब सब्जी जैसे गोभी 40 रुपए किलो थी, आज 80 रुपए किलो हो गई है। टिंडे हो गए 60 रुपए किलो, ककड़ी 40 रुपए किलो हो गई है, जो पहले पिछले हफ्ते 20 रुपए किलो थी। मतलब हर चीज में रेट में हाईफाई रेट हो गए हैं। कुछ ग्राहक भी यहाँ पर पहुंचे, उनसे बात करेंगे। सर, सब्जी लेने आए हैं, क्या रेट क्या मिल रहे हैं अभी? बहुत ज्यादा रेट हो गए अभी। मतलब पिछले हफ्ते आया था तो कम थे, अभी तो बहुत ज्यादा बढ़ गए रेट। आप गृहिणी भी हैं, बजट पर भी असर पड़ता है, कैसे देखते हैं अभी जो दाम बढ़े हैं? मैनेज करना पड़ता है, सब्जियों के रेट से दिन पे दिन बढ़ते जा रहे हैं। एक हफ्ते पहले कुछ और थे, अभी कुछ और हो गए। सब्जियों के दाम बढ़े हैं और यही वजह है कि जो ग्राहक पहले अधिक सब्जियां लेते थे उन्हें कटौती करनी पड़ी है, और इसके साथ ही ये कहा जा रहा है कि आने वाले दिनों में भी यही स्थिति बनी रहेगी। अमित जायसवाल, न्यूज 18, खंडवा। कटनी में एक बेटे ने मिसाल पेश की है। मां की गुजर जाने पर उसने उनकी मूर्ति बन पाई। परिवार उस मूर्ति का मां की तरह आधार करता है। देखिए,
माँ भगवान का रूप होती है, अपने बच्चों के लिए तो भगवान ही होती है। उस भगवान को हमेशा अपनी नजरों के सामने रखने के लिए कटनी में एक बेटे ने अनोखा तरीका आजमाया। जब माँ इस दुनिया में ना रही तो उनकी सिलिकॉन मूर्ति बनवा दी। अभिषेक सोनी की माँ का 2021 में निधन हो गया था। माँ के जाने के बाद परिवार टूट गया। अभिषेक सोनी तो माँ से इतना प्यार करते थे कि वो डिप्रेशन में चले गए। एक दिन उन्हें पता चला कि बेंगलुरु में ऐसी मूर्ति बनाई जाती है जिसे देख लगता है कि उसमें जान हो, और काफी प्रयासों के बाद उन्होंने अपनी माँ की मूर्ति बनवाई। उनका निधन हुआ तो मेरा छोटा बेटा और बड़ा बेटा डॉक्टर गगन सोनी वहाँ पर थे। रात को 12:30 बजे की बात है। छोटा बेटा चूँकि माँ से ज़्यादा जुड़ा रहता है, बहुत अव्यवस्थित हो गया, पूरा परिवार अव्यवस्थित हो गया। उनकी याद में मेरे बेटे ने उनकी प्रतिमूर्ति का निर्माण बेंगलोर से कराया है, क्योंकि उनके स्वरूप को देखना हो पाए ऐसा उसके मन में भाव आया, और हम लोग की बगैर जानकारी के और उन्हें मेरे छोटे बेटे अभिषेक सोनी ने एक ऐसा काम किया है जो हम जीवन में नहीं भूल सकते। अभिषेक सोनी घर के मंदिर के बगल में माँ की मूर्ति स्थापित उन्होंने की है। उनकी पोशाक और गहने भी बदलते हैं। इसमें पत्नी मोनिका सोनी, भाभी रेखा सोनी आदि मदद करती हैं। माँ तो उस दुनिया में नहीं है, लेकिन उनकी प्रतिमा होने से मन को काफी तसल्ली मिलती है। मम्मी की जब कोरोना काल में डेथ हुई तो मैंने सोशल मीडिया में देखा कि किसी सज्जन ने अपनी मदर की मूर्ति बनवाई हुई थी, तो उसे मुझे लगा कि मुझे भी बनवाना चाहिए, क्योंकि मम्मी की मुझे बहुत याद आती थी। तो मुझे ये लगा कि कम से कम मम्मी की मूर्ति रहेगी तो ये एहसास रहेगा कि मम्मी मेरे साथ है। पहले तो हम लोग एकदम शॉक हो गए, क्योंकि कोई भी चीज़ जो चीज़ अपन पास नहीं है उसको अचानक से देखो तो ऐसी वो चीज़ शब्दों में बयां नहीं की जा सकती जो हम लोग ने फील किया, कि कैसा उस टाइम फील किया। सब लोग इमोशनल हो गए थे। अब ये एहसास है कि आपकी सास आज भी आपके पास है। हाँ, अकेले घर में रहो तो मम्मी का स्टैचू देख के लगता है कि हाँ चलो कोई तो है, अकेले नहीं है हम। एक माँ जीवन भर बच्चों पर प्यार लुटाती है, लेकिन कई बार बच्चे माँ बाप को भूल जाते हैं, लेकिन अभिषेक सोनी उन औलादों में से नहीं है। माँ के लिए उनका ये प्यार मिसाल है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18। और इस वक्त सीधी लाइव तस्वीरें आपको ग्वालियर से दिखाएंगे। लाडली बहना सम्मेलन, आवासीय भू अधिकार पत्र और वितरण कार्यक्रम में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान शामिल हैं। क्या कुछ कह रहे हैं सुनिए। सब सुन रही है, इतनी भीषण गर्मी है लेकिन तुम सुन रही हो इसलिए कि मैं तुम्हारी जिंदगी बदलने का मंत्र तुम्हें बता रहा हूं। अभी कह रहे थे सिंधिया जी, अभी कह रहे थे नरेंद्र सिंह जी, बेटी को कई बार बोझ मान लिया गया था। महिलाएं घर में रहती थी, दुनिया भर के दुख सहती थी, कष्ट सुनती थी। मेरी बहनों, इस देश में ऐसा पाप भी हुआ कि बेटा और बेटी में बेटा आए तो खुशियां मनाई जाए, बधाई गाई जाए, लड्डू बांटे जाए, गीत गाए जाए, बेटा आया है। लेकिन बेटी अगर पैदा हो गई तो माँ का चेहरा उतर जाए, जैसे बेटी नहीं आफत हो गई हो। और हालत इतनी खराब हुई कि कई बेटियां कोख में मार दी गई। मेरी बहनों, कोख को कतलखाना बना दिया। पता कर लो, स्क्रीनिंग करा लो, जन्म लेने वाला कौन है। बेटा आए तो आने दो, और बेटी आए तो पेट में ही मार दो। बताओ ये पाप हुआ है कि नहीं। मैं सबकी बात नहीं कहता, लेकिन ये पाप हुआ है। बेटी बोझ मान ली गई, और केवल इतने नहीं मेरी बहनों, इसलिए हमने बनाई कि बेटी बोझ नहीं है, बिटिया को बोझ नहीं रहने देंगे, बेटी को वरदान बनाएंगे। और इसलिए बनी लाडली लक्ष्मी योजना। 45 लाख लाडली बेटियां मेरी,
जो मुझे मामा मामा कहती है तो मेरा रोम रोम पुलकित हो जाता है। वो बेटियां पांचवी पास करके छठवीं में जाएगी तो 2000, आठवीं पास करके नौवीं में जाएगी तो 4000, दसवीं पास करके ग्यारहवीं में जाएगी तो 7500, ग्यारहवीं में 6000, बारहवीं में 6000 और कॉलेज जाएगी तो सुनना मेरी बहनों 12500 रुपया दूंगा। कॉलेज पास करेगी तो फिर 12500 और सुनो मेरी बहनों अगर मेडिकल और इंजीनियरिंग में जाएगी तो फीस चाहे 5-10 लाख कितनी भी हो बिटियों के माता पिता नहीं भरवाएंगे। कौन भरवाएगा? अरे कौन भरवाएगा? जोर से बताओ कौन भरवाएगा? मामा भरवाएगा। ये बेटियों के लिए क्या? घर में रहती थी बहनें, आदमी को चुनाव लड़ने देते थे, रोटी बनाओ घर में रहो, चुनाव कौन लड़ेंगे? साहब लड़ेंगे, 50 आदमी का खाना बनाओ, मैं चुनाव लड़ रहा हूं, आने नहीं देते थे आगे। मेरी बहनों ये भारतीय जनता पार्टी है और तुम्हारा भाई शिवराज सिंह, हमने तय किया कि बहनों को भी चुनाव लड़के सरपंच बनना चाहिए, पंच बनना चाहिए, नगर निगम में मेयर बनना चाहिए, जनपद अध्यक्ष बनना चाहिए। बताओ बनना चाहिए कि नहीं बनना चाहिए? आज बोलो बनना चाहिए कि नहीं? जोर से बताओ बनना चाहिए कि नहीं? क्या पुरुषों का ही ठेका है? महिलाएं आगे नहीं आएंगी? लेकिन वैसे नहीं लड़ने देते थे, इसलिए हमने तरकीब निकाली कि आधी सीटों पे चुनाव केवल बहनें लड़ेंगी, वहां भाई खड़े ही नहीं हो सकते, केवल बहनें लड़ेंगी। और इसलिए बहनें सरपंच बन रही है, जनपद में जा रही है, जिला पंचायत में जा रही है, मेयर बन रही है। बताओ मेरी बहनों मैंने अच्छा किया कि नहीं किया? बोल के बताओ अच्छा किया कि नहीं? क्योंकि बहनों को आगे बढ़ना चाहिए। एक नहीं कई योजनाएं मेरी बहनों, प्रॉपर्टी अगर खरीदना हो, खेत खरीदना हो, मकान खरीदना हो, दुकान खरीदना हो तो कौन के नाम से खरीदते थे? साहब के नाम से, मैडम के नाम से कोई खरीदते ही नहीं थे। हमने यह फैसला कर दिया कि बहन और बेटी के नाम से अगर मकान दुकान खेत खरीदेंगे तो रजिस्ट्री का पैसा बहुत कम लगेगा, केवल 1%। पुरुष के नाम पे ज्यादा लगेगा, बहन के नाम पे कम लगेगा। और इसलिए अब कई जगह पतिदेव कहने लगे तेरे नाम पे खरीद रहा हूं, पैसा बच जाएंगे, मेरा तो काम हो गया। मेरी बहनों के नाम पे अगर जमीन मकान खरीद ली। और इसी के साथ ही फिलहाल के लिए इतना ही।